हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे, जहां पर हम देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और जावा के आउटपुट निकालने वाले प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं और ये इसका 20th यानी 20वां प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। तो ये रहा आज का प्रोग्राम और इसमें हमने एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई हुई है, जहाँ पर मेन फंक्शन है और ट्राई कैच कैच दो कैच लगाए हुए हैं, उसके बाद फिर एक लास्ट लाइन प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और रिज्यूम तब करिएगा जब आप इसका सोल्यूशन निकाल लें, क्या आउटपुट आने वाला है ये आप समझ लें। नीचे चार ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, ABCD, आप देख लीजिए इनमें से कौन सा वाला आपका आंसर मैच होता है। पहले तो आप ऑप्शन देखिए ही मत, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, इसको समझिए, आउटपुट निकालिए, फिर देखिए कि चार ऑप्शन में से कोई सा है क्या वो आंसर। क्योंकि ऑप्शंस देख लेंगे तो हम पहले ऑप्शंस के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो ऑप्शंस को पहले मत देखिए, पहले आप क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद जब आपका आ जाए आंसर तो आप इस वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग देख लें ट्राई कैच से रिलेटेड कुछ नियम क्या होते हैं। अगर ट्राई ब्लॉक आपने बनाया है, कंट्रोल उसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर या तो एक्सेप्शन आ रही है या एक्सेप्शन नहीं आ रही है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही है तो सिंपली कंट्रोल कैच ब्लॉक्स को स्किप करते हुए फाइनली पे पहुंच जाएगा, अगर फाइनली लिखा हुआ है तो, और फाइनली नहीं लिखा हुआ है तो जो भी उसके बाद लिखा हुआ है वहां पे चला जाएगा। फाइनली लिखा होता तो फाइनली का ब्लॉक चलता और उसके बाद प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रहता, आगे जो लाइंस लिखी होती। अगर एक्सेप्शन आ रही है तो क्या होगा, एक्सेप्शन अगर आ रही है तो या तो हमारा कोई कैच ब्लॉक उसे मैच कर जाएगा, क्योंकि जब एक्सेप्शन आती है तो किसी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन के थ्रो होता है ऑटोमेटिकली, और उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला जो कैच ब्लॉक होता है वो चलता है। लेकिन अगर हमारे कोई भी कैच ब्लॉक मैच नहीं कर पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे में जावा का बाय डिफॉल्ट, JVM का जो बाय डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म है वो चलता है और वो एक एरर मैसेज प्रिंट करने के बाद, एक्सेप्शन प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम को एंड कर देता है। तो इस तरीके से कोडिंग होती है, ये लास्ट लाइन उस केस में प्रिंट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हमारा कोई कैच ब्लॉक चल जाता, एक्सेप्शन आई ट्राई ब्लॉक के अंदर और हमारा कोई कैच ब्लॉक मैच कर गया और वो चल गया, तो फिर वो कैच ब्लॉक चलने के बाद कंट्रोल अगर फाइनली लिखा है तो फाइनली को चलाएगा, और फाइनली नहीं लिखा है तो फिर वो जो भी उसके बाद लिखा हुआ है, कैच ब्लॉक जहां एंड हो रहे हैं उसके बाद लिखा हुआ है वो चलेगा। अच्छा, एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक नहीं चलते हैं, कोई एक ही कैच ब्लॉक चलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या एक्सेप्शन आ रही है, यस एक्सेप्शन आ रही है। ये कौन सी एक्सेप्शन है, जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट बना और वो थ्रो हो गया। अब जब वो ऑब्जेक्ट थ्रो हो गया तो उसको रिसीव करने वाला जो कैच ब्लॉक होगा उसमें रेफरेंस वेरिएबल ऐसा बनना चाहिए जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर सके। आप जानते हैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी आपने कोई क्लास बनाई, आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन रख सकता है, या तो आपकी ही क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हो या आपकी क्लास की कोई एंसिस्टर क्लास, यानी पेरेंट या उसकी पेरेंट या उसकी पेरेंट, तो एंसिस्टर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रख सकता है। तो इस हिसाब से अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है तो या तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल उसे रिसीव करेगा, या अर्थमेटिक एक्सेप्शन की कोई एंसिस्टर क्लास है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, उसकी भी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन, तो इनमें से किसी का भी रेफरेंस वेरिएबल अगर होगा तो वो भी उसको रिसीव कर पाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई है तो एक के बाद एक कई सारे कैच ब्लॉक अगर लगे हैं तो वो पहले कैच ब्लॉक को पहले मौका देता है, उसके बाद फिर अगले कैच ब्लॉक को देखते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो पहले वाले कैच ब्लॉक को जब उसने देखा तो उसमें एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना है जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन की एक एंसेस्टर क्लास है, तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। लेकिन उसके बाद के कैच को फिर वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि एक बार जो कैच मैच हो गया उसके बाद फिर वो बाकी के कैच को नहीं चलाता है। तो अब जब दूसरा वाला कैच है उसमें हम देख रहे हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है, तो उसको तो बेचारे को मौका ही नहीं मिला, जबकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था क्योंकि वो तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ही रेफरेंस वेरिएबल था।
तो फिर ऐसे में उसको मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जावा में एक रूल बनाया गया कि अगर आप एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक्स लिखते हैं तो जो स्पेसिफिक क्लास है, सब क्लास है, उसका रेफरेंस वेरिएबल वाला कैच ब्लॉक ऊपर बनना चाहिए और जनरलाइज्ड जो होगा वो नीचे बनना चाहिए। अब एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शन, देखिए दो कैच ब्लॉक हैं, एक में एक्सेप्शन का रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है, एक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। तो कायदे से ये कैच ब्लॉक का ऑर्डर हमें उलटना होगा, यानी अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक पहले बनेगा और एक्सेप्शन वाला बाद में बनेगा, क्योंकि एक्सेप्शन थोड़ा जनरलाइज्ड हो गया और ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ये सुपर क्लासेस का हो गया और ये सब क्लासेस का हो गया। तो सब क्लासेस वाले वर्जन पहले बनेंगे और सुपर क्लास वाले बाद में बनेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कंपाइल टाइम पर एरर है, यानी इस प्रोग्राम में आंसर सही कौन सा होगा, ए कंपाइल टाइम एरर। तो आइए इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो बिल्कुल एरर आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो देखिए यस इसमें एरर आ रही है और एरर मैसेज क्या है, एरर एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो दूसरा वाला कैच लिखा हुआ है ये तो ऑलरेडी उसके पहले वाले कैच में कॉट हो चुका है, यानी पहले ही वो हैंडल हो चुका है। तो फिर दूसरा वाला जो कैच है अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसको चलने का मौका नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम ट्राई कैच लगा रहे हों, एक से ज़्यादा कैच लगा रहे हों, तो जो सब क्लास वाला वर्जन है वो ऊपर होना चाहिए, सुपर क्लास वाला वर्जन है वो नीचे होना चाहिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पहले से नहीं मालूम था तो ये आपके लिए एक एड ऑन होगा आपके नॉलेज में, और अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर पे सही गया होगा। अब यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें अगर कुछ डाउट्स हैं तो, और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट चाहिए, क्योंकि मेरे एक से अधिक यूट्यूब चैनल्स हैं और उन पे काफ़ी सारे वीडियोस रखे हुए हैं, अभी तक 1000 से ज़्यादा वीडियोस हम लोग पब्लिश कर चुके हैं, तो यदि उनकी सबकी लिस्ट चाहिए और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लिस्ट चाहिए ताकि ढूंढने में दिक्कत ना जाए, तो आप मेरी वेबसाइट mysirg.com को विजिट करें। मैं कहूँगा डेली विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ कि आज मैंने कौन से वीडियो अपलोड करे हैं, कल कौन से करने वाला हूँ। तो इससे आपको रीसेंट अपलोडेड वीडियोस की जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं डेली दो या दो से ज़्यादा वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ, तो आपको अपडेटेड रहने के लिए ये साइट को रेगुलरली विजिट करना होगा। इसके अलावा इस साइट पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे जिनको आप पूरा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको डाउनलोड करने के लिए भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मिलता है। तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन इस साइट पर मिले, और बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे जिनको इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे डेली कंटेंट आ रहा है और हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको ये बहुत पसंद आए और बहुत ज़रूरी लगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, इसके बारे में लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।